दिल की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं की, क्या आपने घर में घुसने का भी कोशिश किया, ताला तोड़ा, क्या कुछ कहना चाहोगे? ताला नहीं तोड़ा, ताला नहीं टूटा, कोशिश किया, ताला नहीं तोड़ा। मैंने मैसूर जाके उनके डैडी को फ़ोन किया, उनके डैडी ने बोला कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत गंदा बोला उन्होंने मेरे को, नहीं वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े मुझे नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो ना कि मैं आई हूँ मुझे घर में आने के लिए। और फिर उन्होंने मना किया तो मैं उस एरिया में गई, किसी ने एड्रेस मुझे भेजा था तो मैं वहाँ पहुँची। और आप देखा, आपके पास वीडियो भी हैं। और कल मैं मैसूर कोर्ट में गई थी आदिल से देखने के क्या हो रहा है, तो 27 तक की उनकी पुलिस कस्टडी है। थोड़ा नीचे रखिए जी, मैं जानना चाहूँगा आजू बाजू वाले से क्या बातचीत हुई वहाँ? कुछ नहीं, वो लोग तो यही बोलते हैं कि हम तो गरीब लोग हैं, ये लोग हमसे बात नहीं करते, ये वो। तो अभी हम उनके बीच में मैं क्या बोल सकती हूँ, आप तो इतनी खूबसूरत है, आपको क्यों ऐसा आपके साथ किया उसने। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आप वहाँ मतलब खुद खुलासा करने गए थे आदिल का रेप केस का, खुद सबूत सब इकट्ठा करके आप जी? उस पीड़िता लड़की से मैं मिली हूँ, तो उसने मुझे सारे प्रूफ दिखाए। दिस वॉज वेरी शॉकिंग, मेरी तबीयत और ख़राब हो गई है, यू नो। तो मुझे पता नहीं कोर्ट के बाहर बहुत चक्कर आ गया था, वो लड़की ने सब दिखाया मुझे एंड कहा कि राखी मैम आपसे जब शादी आपने रिवील करी तब मुझे पता चला। और वो मुझे छूट छूट कहता था कि वो तो कलर जेरोक्स है, उस ईरानी लड़के ने कहा। मेरी तो कोई शादी नहीं हुई है, यू स्टूपिड अ व्हाट। मैं राखी को तो नवंबर दिसंबर तक तो लास्ट वो मेरे साथ है। आदिल ने इतने झूठ बोले हैं, ज़िंदगी मेरी बर्बाद करी, उस लड़की की बर्बाद करी, और भी लड़कियों की ज़िंदगी उसने बर्बाद करी। आज आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना सही स्टेप्स लिया है आदिल के लिए, बहुत सही स्टेप्स लिए आदिल के लिए। क्या फैसला आया है मैसूर कोर्ट की तरफ से अगर बताना? इतना आसान नहीं होता है फैसला, इतना ऐसा थोड़ी कि गए इडली डोसा तो नहीं है ना कि बना के खा लिया, इतना आसान नहीं होता। लड़की के सारे प्रूफ दिए गए, अभी तो कस्टडी में रखा है। आदिल इतना झूठ बोल रहे, इतना झूठ बोल रहे, पुलिस के सामने बोल रहे राखी के पास फ़ोन है, ओशीवारा पुलिस स्टेशन के पास फ़ोन है, और ओशीवारा पुलिस स्टेशन में पुलिस को बोल रहे मैसूर में फ़ोन है। तो उनके जो दो फ़ोन हैं जिसमें अश्लील वीडियो हैं सारी लड़कियों के कुकर्म करते हुए, मैंने कल वहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक उसको उसी लड़की के साथ कुकर्म करते हुए वीडियो देखा, मेरी जान निकल गई कि एक इंसान ऐसे कैसे शूट कर सकता है अपने प्राइवेट, यू नो, आप समझ सकते हैं, सब कुछ करते हुए, सेक्स करते हुए, कुकर्म करते हुए कैसे शूट कर सकता है एक इंसान। ओ माय गॉड, वो सोच के ना जितना थोड़ा बहुत दिलो दिमाग में प्यार था आदिल के लिए वो भी चला गया। मेरे वीडियो ये पुलिस वाले क्या हो गया इंडियन पुलिस को, ये क्यों इतनी सख्ती नहीं बरस रही उस पर, क्यों क्या हो गया ओशीवारा पुलिस स्टेशन को, ये क्या हो गया है इंडियन पुलिस को, उस लड़के के इतने सेटिंग कर रहा वो सब जगह, क्या हो गया इन लोगों को, ये दो उसका फ़ोन नहीं निकाल पा रहे, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी है उसमें। फ़ोन कहाँ रखा है उन्होंने? वो झूठ बोलता है, इतना झूठ बोल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कितना मारे मारे। सारी चीज़ों में उनके ड्राइवर मिले हुए हैं उनके साथ, उनके डैडी मिले हुए हैं, उनके ड्राइवर वगैरह बहुत सारे लोग मिले हुए। मैं पुलिस नहीं हूँ ना, मैं तहकीकत नहीं कर सकती ना, वो लोग को लोकेशन निकालना है ना। वो पुलिस लोग जो उन्होंने शपथ खाई थी पुलिस वालों ने कि इस देश के साथ इन देश की जनताओं के साथ न्याय करेंगे, तो मैं न्याय मांगती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ओशीवाला पुलिस स्टेशन में ये लोगों ने क्या कोर्ट में दे दिया, क्या ये लोगों ने 4 दिन इन्वेस्टिगेशन किया। आई रियली डोंट नो, आई एम वेरी अपसेट, वेरी अपसेट, यू नो, कि कहाँ है वो फोन्स। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमें वो फोन्स चाहिए, फ़ोन में सबूत है। और वो अपनी जान भी दे देगा तो फ़ोन नहीं देगा क्योंकि उसके माल में लंबा फंसेगा वो। फ़ोन में नंगे वीडियोज़ हैं लड़कियों के सेक्स करते हुए, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंडों के साथ। ये कितनी औरतों ने मुझे मैसेज करके बोला हमको जूस में पिला के हमारे साथ कुकर्म करते हुए वीडियो निकाल लिए, हमें ब्लैकमेल करता है ये सारी ज़िंदगी। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है ये। पुलिस वालों, मैं तो कहती हूँ एक केस तो डंका, इससे सबूत निकलवा लो,
आप लोगों में है ताकत, कानून की ताकत है, उसकी बातों में आके आप लोग एक ओशिवारा पुलिस स्टेशन एक दो फोन निकाल नहीं पाए इससे। आई फील सैड। मैसूर की भी पुलिस आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। मैसूर की पुलिस बहुत सपोर्ट कर रही है, मैसूर के MLAs, कॉरपोरेटर, मैसूर के लोग, धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरा केस, अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं रहा है। मैसूर के आप लोगों के हाथ में दे देती हूँ, मैसूर वालों के हाथ में, कॉरपोरेटर, MLA, मेरा हाथ छोड़ के निवेदन है मैसूर के लोगों, आदिल के घर वालों से मुझे न्याय दिला दो, मुझे न्याय दिला दो, मेरे पैसे दिला दो। आदिल के फ़ोन में आप ही की वहाँ की लड़कियों के, शर्म आ रही मेरे को बोलने को, आप ही की वहाँ की लड़कियों के, बचा लो अपनी लड़कियों को, एक औरत ने आवाज़ उठाई है, बचा लो इन लड़कियों को। मेरा काम था पुलिस स्टेशन तक लेके जाना, आगे आप लोगों का काम है वहाँ के पुलिस वालों को स्ट्रिक्ट स्ट्रांगली पकड़ के, MLA लोग, मंत्री लोग, जाओ पुलिस स्टेशन, बोलो इस आदमी का फ़ोन कहाँ है, ये मर जाएगा। कहता मैं 10 साल पीछे चला जाऊँगा, मेरा फ़ोन आ जाएगा और मैं सारी ज़िंदगी क्या बोलते हैं कटघरे में मत पुलिस स्टेशन जेल में चला जाऊँगा। बोला अगर बोलता मेरा फ़ोन अगर ये लोग ने ले लिया, क्योंकि फ़ोन में सारे सबूत हैं और ये फ़ोन छुपा दिया है, या तो सलमान उसका ड्राइवर उसके पास है, या इबू जो इब्राहिम है उनका बंदा उसके पास है, या उनका एडवोकेट है मुंबई का उसके पास है, इन तीनों के पास है, या इन्होंने मैसूर अपने घर में भिजवा दिया है। मेरा काम नहीं है ये फ़ोन ढूंढना, पुलिस वालों का काम है, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ। फ़ोन ढूंढो, आदिल के फ़ोन ढूंढो। शुक्रिया। क्या साथी ये भी जानना चाहेंगे किस तरह का आपका सॉन्ग आ रहा है? बाद में कल उसके बारे में कल बात करेंगे।